नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लखनऊ में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यूटी कादर फरीदी ओम, सचिव तथा कर्नाटक विधान परिषद के सचिव ओम, अन्य अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई विधान योजना की स्थापना एवं उसके कार्यान्वयन को देखने आए। कर्नाटक विधान परिषद के सभापति को भी इस शिष्टमंडल के साथ आना था, परंतु कतिपय अपरिहार्य कारणवश वह नहीं आ सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई विधान की योजना के सफल संचालन एवं पेपरलेस तकनीकी क्रियान्वयन की सफलता के दृष्टिगत कर्नाटक जैसे विधानसभा का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल आया, जबकि बेंगलुरु आईटी का केंद्र माना जाता है। माननीय अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश सतीश महाना द्वारा कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधिगण को उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई विधान एवं डिजिटल प्रणाली के विषय में विस्तार से बताया गया। कर्नाटक विधानसभा के उक्त शिष्टमंडल को यह अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की समस्त कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से संचालित होती है तथा यहाँ पर सभी विधायकगण इसी विधा को प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की पूर्ण कार्यसूची प्रश्न प्रहर से अंत तक इलेक्ट्रॉनिक विधान की प्रणाली से संचालित किए जाने हेतु पूर्ण रूप से सुसज्जित है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कार्यरत इस प्रणाली के विशेषज्ञों द्वारा भी कर्नाटक के शिष्टमंडल के समक्ष विस्तार से प्रस्तुतिकरण किया गया। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की सराहना की एवं पुनः यहाँ पर आकर इसको विस्तार से समझने हेतु समय भी मांगा गया। उक्त शिष्टमंडल द्वारा विधानसभा में स्थापित डिजिटल गैलरी, जिसमें विधानसभा का संपूर्ण डिजिटल इतिहास है, एवं डिजिटल कॉरिडोर, जिसमें समस्त माननीय सदस्यों की तस्वीरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को दर्शाया गया है, का अवलोकन भी किया गया। इसके अतिरिक्त विधानसभा में किए गए अन्य पुनरुद्धार कार्यों का भी उक्त शिष्टमंडल द्वारा निरीक्षण किया गया। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा यह स्पष्ट रूप से अवधारणा व्यक्त की गई कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा सर्वश्रेष्ठ अत्याधुनिक प्रणाली से भी युक्त है। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो मॉडल उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है वह अनुकरणीय है और वह इसका अनुसरण भी करेंगे। बेंगलुरु जैसे अत्याधुनिक एवं तकनीक केंद्र की विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा यह अवधारणा व्यक्त किया जाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए एक गौरव की बात है। कर्नाटक विधानसभा के शिष्टमंडल को यह भी बताया गया कि अगले चरण में उत्तर प्रदेश विधानसभा मीडिया एवं माननीय सदस्यों के संसदीय क्षेत्रों से भी डिजिटल तरीके से संबद्ध होने का कार्य करेगी। शिष्टमंडल में मुख्य रूप से श्रीमती के आर महालक्ष्मी, सचिव कर्नाटक विधान परिषद, श्रीमती एम के विशालाक्षी, सचिव कर्नाटक विधानसभा, श्री जे शशिधर, निदेशक आईटी कर्नाटक विधानसभा, श्रीमती एस निर्मला, अपर सचिव कर्नाटक विधान परिषद, ओम प्रकाश, सलाहकार माननीय अध्यक्ष कर्नाटक विधानसभा हुआ के डी श्याला, ओएसटी माननीय सभापति कर्नाटक विधान परिषद के साथ साथ महेश करजगी, श्री एम साक्षीनाथ, मोहम्मद लिबजत भी उपस्थित रहे। शिष्टमंडल के भ्रमण के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्य शशांक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव विधानसभा श्री प्रदीप दुबे, सचिव कृषि राजशेखर, आईएएस व ई विधानसभा से संबंधित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज नाइन भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।